हेलो दोस्तों, एसी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्री डिश का प्रॉब्लम। जो आप प्रॉब्लम देखिए किस तरह से आता है, देखिए एक बार ऑन हुआ, उसके बाद देखिए ये चालू हो गया, ये देखिए देखिए ऑफ हो गया। फिर से मैं इसको ऑफ करता हूँ, फिर से ऑन करता हूँ, देखिए ऑन हुआ। ये देखिए 4 लिख रहा है। बस अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ क्या करना है। अभी मैं इसको खोल लेता हूँ। हेलो दोस्तों, इसको मैं ओपन कर चुका हूँ। आप देखिए, आपको इसमें 2 किट मिलेगा, एक पावर सप्लाई है और एक कार्ड है। ये कार्ड में फॉल्ट है या पावर सप्लाई में, मैं इसको अभी बता रहा हूँ चेक करके। ऑन करो। अभी मैं इसका सप्लाई आपको चेक करके बताता हूँ। ये देखिए 200 के रेंज पे रख दिए और एक प्रोब ग्राउंड में और दूसरा प्रोब आप मीटर पे देखिए, मीटर पे ये पिन आपको ये देखिए 3.3 ओके है। ये हमारा 12 वोल्ट के जगह 17 वोल्ट है, ठीक है। और ये 5 वोल्ट भी ठीक है और ये 24 वोल्ट भी ठीक है। देखिए ये 24 वोल्ट देखिए मीटर पे, ये भी हमारा ओके है। और इस तरह का फॉल्ट में अगर हमारा पावर सप्लाई ओके है, अगर कभी 0 आता है, कभी आता है, कभी जाता है, इस तरह के फॉल्ट में आप ये रेगुलेटर जो है 3.3 सप्लाई इसमें इनपुट होता है, 1.8 वोल्ट ये रेगुलेटर से आउट होता है, ये आप चेक कर लीजिए। उसके बाद ऑन ऑफ का प्रॉब्लम है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, तो ये मेमोरी है, ये करप्ट कर जाता है, ये मेमोरी है ये करप्ट कर जाता है, तो ये मेमोरी सीधे बदल दीजिए। अगर ऑफ रहता है तो अगर ये मेमोरी बदलते हैं तो चालू हो जाता है तो ठीक, नहीं तो ये रैम आईसी है, ये रैम आईसी आप बदल दीजिएगा, 100% चालू हो जाएगा। अभी मैं ये फॉल्ट बता रहा हूँ, ये मेमोरी आईसी का फॉल्ट है। जो अभी देखिए किस तरह से आ रहा है फॉल्ट, देखिए अभी भी उसी तरह से है, 4 लिख के आ रहा है। अभी मैं इस आईसी को बदल के आपको दिखाता हूँ कि ये सॉल्यूशन कैसे ठीक होता है। देखिए अभी ये ठीक हो गया है, लेकिन ठीक नहीं है। देखिए किस तरह से हो रहा है प्रॉब्लम, देखिए फिर 0 हो रहा है। तो हम अभी आपको ये चेंज करके आपको दिखाते हैं कि इसी का फॉल्ट है या नहीं है। ये देखिए हमारे पास दूसरा एक पुराना वाला है, इसी में से ये मेमोरी आईसी हम आपको लगा के दिखाते हैं। आप देखिए ध्यान से, आप देख लीजिए ये मेमोरी आईसी वहीं का है, आप इस पोजीशन में देखिए,
देखिए ये मेमोरी आईसी है, ये करप्ट कर जाता है तभी ऐसा प्रॉब्लम आता है। ये मैं पुराना वाला रखे हुए था, इसीलिए आपको मैं इसका मेमोरी डाल के दिखा रहा हूँ। आप देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। ये देखिए, मैं पुराना वाला यहाँ रख देता हूँ, ये मारता हूँ। चुका हूँ, अब मैं आपको ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देता हूँ, उसके बाद ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इसको लगा चुका हूँ, ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है। देखिए 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 ऑन हो चुका है हमारा बॉक्स। देखिए किस तरह से आता है, ये देखिए। अब ये देखिए हमारा बिल्कुल सेट है बॉक्स, ओके हो चुका है। अब मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ टीवी पे, ये कैसा पिक्चर दे रहा है। ये देखिए मैं फिर से ऑन करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। ये देखिए हमारा ओके हो चुका है सेट। अगर आपको ये सॉल्यूशन कभी भी आए प्रॉब्लम, तो आप ये मेमोरी बदल के आप ओके कर सकते हैं। अभी मैं इसको टीवी पे आपको चला के आपको दिखा रहा हूँ। हमारा सेटअप बॉक्स ऑन हो चुका है, अब देखिए कैसा पिक्चर आता है। देखिए हमारा सेटअप बॉक्स इस तरह से आ रहा है, ये देखिए। चैनल भी आपको चेंज करके दिखाते हैं, ये देखिए चैनल भी बदल रहा है, कितना शानदार पिक्चर आ रहा है। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।